तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं वी लुकअप का थर्ड क्लास। या फर्स्ट क्लास में हमने वी लुकअप को समझा था, सेकंड क्लास में हमने मैच, इंडेक्स, ऑफसेट, एच लुकअप, लुकअप ऐसे फॉर्मूले को समझा था। अब बात करते हैं ट्रिक्स, वी लुकअप के ट्रिक्स के बारे में। ओके, सबसे पहला ट्रिक्स कि आपके पास मान लीजिए कि नेम है, प्रोडक्ट है एंड क्वांटिटी है। ओके, नेम, प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी, मैं इन तीनों को कॉपी करके एक अलग शीट पे रखता हूं। और बहुत ज्यादा डेटा है इसे डिलीट कर देता हूं, छोटा डेटा करता हूं। अब मुझे यहां पे नेम, प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी, तो पलंग मैं यहाँ पे चाहता हूं कि दो अलग अलग मतलब कि क्राइटेरिया से मेरा टोटल निकले। मतलब कि यहाँ पे पूजा और मुझे पूजा का मान लीजिए ECT का क्वांटिटी चाहिए। पर नॉर्मल वी लुकअप किसी भी कंडीशंस में एक से ज्यादा वैल्यू को मैच नहीं करता है। तो हम एक कॉलम इंसर्ट करते हैं और इसके ऊपर हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया एंड &% लगाया, डैश दे दिया और दूसरे प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब मैं यहां जो वी लुकअप लगाऊंगा तो यहां भी हम सेम चीज करेंगे कि हम नेम को और हम इस सिटी को सिलेक्ट करेंगे और फिर हम इसको सिलेक्ट करके बोलेंगे कि मुझे फोर्थ नंबर का चाहिए। आ गया सर? हाँ सर, हाँ सर, ये तो बहुत काम की चीज है ना, काम की चीज। हाँ जी, हाँ जी सर, जी सर, हेलो। क्योंकि अगर वैसे लुकअप, नॉर्मल लुकअप में उठाएंगे तो पहले वाले पूजा का उठा लेगा वो। जी हाँ जी, जो पहला ऐसे मिलता है। हाँ, ऐसे मान लीजिए कि तीन क्राइटेरिया मैच करना है मुझे, इसके साथ सेल्स मोड भी ऐड कर रहा है। तो तीन या तीन से ज्यादा क्राइटेरिया होगा उस समय क्या करेंगे? तो मैं यहां पे तीसरा क्राइटेरिया सेल्स मोड का उठा लेता हूँ, कॉपी किया, शीट सिक्स पे जाता हूं और यहीं पे पेस्ट कर लेता हूं। मुझे इसमें अब यहां पे मुझे डायरेक्ट सेल चाहिए, पूजा का डायरेक्ट सेल। तो यहां जो हमने ऐड किया था इसमें एक और कॉन्कटानेट का ऐड करूंगा, डैश करूंगा और फिर वापस ऐड करूंगा और हम सेल्स मोड को ले लेंगे। ठीक है, और फिर नीचे के तरफ को ड्रैग करते हैं। अब यहां भी जो वी लुकअप लगाएंगे तो यहां भी हम क्या करेंगे कि इसके साथ हम &% देंगे, डैश और अगेन &% और हम यहां सेल्स मोड को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो कई सारे क्राइटेरिया अगर आपके पास है इसका यूज कर सकते हैं, राइट? यस सर, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, डाउट सर। ऐसे कितने भी क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं अपन तो? जी हाँ जी, उसके लिए कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है।
क्लियर है? जी अब हम बात करते हैं कि हमारे डेटा में नेम की जो बात है उसकी बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास पूजा सिंह है, टीटू शर्मा है, ठीक है। तो जो डेटा में मेरे पास कंप्लीट नेम है, लेकिन जब मैं लुकअप करने की बात कर रहा हूं वहां पे मेरा नेम कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ पूजा है हमारा, कि मुझे सिर्फ पूजा का प्रोडक्ट निकालना है। हाउ कैन? तो उसके लिए क्या यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं? जब आप वी लुकअप लगाते हैं तो एग्जैक्ट मैच करता है। ठीक है, तो पूजा का एक मिनट, पूजा कई बार रिपीटेड है ना, इस कारण से इस पूजा सिंह को नहीं उठाया हुआ है, इसमें इस पूजा को उठा दिया। यहाँ ये पूजा सिंह कर देता हूँ। अन्य आया तो यहाँ पे दो तरीका है। एक है कि हम इसके आगे स्टार का साइन लगा दें। अगर मैं दोनों तरफ स्टार का साइन लगा दिया, दोनों तरफ स्टार का साइन लगा दिया, तब आ गया। तो या पूजा सिंह हो या सिंह पूजा, समझ गए? पूजा सिंह हो या मैं यहां पे डाल दिया सिंह पूजा, उस केस में आ जाए, क्योंकि तो ये लेता है कंटेन बिट। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां पे पूजा फर्स्ट हो, तो यहां गड़बड़ हो गई। ओके,
तो यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ कि जब हमने वी लुकअप लगाया तो वी लुकअप में हमने बताया कि अगर हम दोनों तरफ, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अगर हमारा पूजा, यहाँ पे सिंह पूजा है और यहाँ पे पूजा है, तो वी लुकअप हमारा लुकअप नहीं करेगा। तो उस केस में क्या करना है कि यहाँ दोनों साइड में अगर आपने स्टार लगा दिया तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आपकी वैल्यू शो हो जाएगी। बट दोनों तरफ तो स्टार लगा दिया मतलब हुआ कंटेन, मतलब कि वैल्यू कहीं भी होगा, चाहे सिंह पूजा हो या पूजा सिंह हो या कुमार सिंह पूजा हो, लास्ट में हो, मिडल में हो या फिर फर्स्ट में हो, तो कब कर लेगा। लेकिन जैसे आपने एक स्टार लास्ट करवा दिया तो ये हो गया सिंह पूजा, मतलब कि अगर ये पूजा सिंह हुआ तो लुकअप नहीं करेगा, क्योंकि तो पूजा जो है फर्स्ट में, लास्ट में नहीं है। तो अगर आपने स्टार लगा के पूजा लिखा मतलब हो गया कि लास्ट, यहीं पे अगर आपने पूजा लिखा और ला स्टार लगा दिया तो क्या हो गया है? कि फर्स्ट में पूजा हो, पूजा के बाद चाहे पूजा सिंह हो, पूजा कुमार हो, पूजा शर्मा हो, वर्मा हो, कुछ भी हो, ये लुकअप कर ले, बस स्टार्टिंग में चार करेक्टर पूजा होना चाहिए। ओके सर, ये सीक्वल वाले कॉन्सेप्ट पे चलता है। जी हाँ जी हाँ, ये लाइक कमांड की तरह चलता है, स्कूल में होता था। अब प्रॉब्लम ये भी होगा कि मेरे पास 3 डिजिट का कोड आता है, 3 डिजिट का कोड आता है। अब मुझे नहीं पता कि ये 3 डिजिट का कोड क्या है, कभी DD होता है, कभी D114 होता है, बस इतना पता है कि तीसरी डिजिट होता है। तो 3 बार आप क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए, आपका डेटा आ जाएगा। तीन बार क्वेश्चन मार्क, यहां पे मान लीजिए मैं कर देता हूं LCD, चेंज करते हैं, आ जाता है, आ गया सर LCD। तो क्वेश्चन मार्क के मतलब हुआ 3 एनी करेक्टर। और सर उस केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि सारे कॉलम है, एक जगह पूजा सिंह है, एक जगह सिंह पूजा और एक जगह सिर्फ पूजा है। तो उस केस में वही आपको दोनों तरफ स्टार लगाना होगा, ठीक है? तो प्रॉब्लम आती है कि मेरे पास बहुत सारा डेटा है, तो क्या हम डेटा के अंदर यहां पे अगर स्टार दोनों तरफ लगाते हैं इस तरह से, या एक ही तरफ ही लगाते हैं, दोनों तरफ लगाते हैं, तो नीचे और भी बहुत सारे नाम है, तो सब पे लगाना पड़ जाएगा, और सब पे लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए आप यहीं वी लुकअप के फॉर्मूला में ही आप कॉनकैटा नेट लगा दें। कॉनकैटा नेट लगा दें, ठीक है? अब फिर नीचे ड्रैग कर दीजिए, अब यहां पे पूजा के बाद कोई भी नेम हो आपको डेटा आपका आ जाएगा, समझे? तो अभी आपने दो चीज सीखी, पहले सीखी जब आपके पास वी लुकअप में मल्टीपल क्राइटेरिया होगा तो आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। दूसरा आपने सीखा कि अगर आपके पास शॉर्ट नेम हो, मतलब कि कंप्लीट वर्ड ना हो, एग्जैक्ट मैच ना हो, तो वी लुकअप में कैसे आप जो है स्टार साइन या क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल कर सकते क्वेश्चन हैं। मार्क 3 डिजिट के होता है या 4 डिजिट भी उठाता है वो, एनी 4 डिजिट या एनी 3 डिजिट? कोई भी जैसे कि मान लीजिए ना कि आपका इसमें आपको पता है कि आपकी एक आईडी है, आईडी है मान लीजिए यूजर 7896@0, समझे? जी अब यहां पे आप ये ढूंढना चाहते हैं कि भाई 7, यहाँ पे जो है 7 8 9 आपने डाल, एक मिनट, एट द रेट नहीं, 7 8 9 हमने यहाँ पे अंडरस्कोर ये नंबर डाला, ठीक है? जी अब मुझे पता है कि भाई लास्ट के जो 2 डिजिट कुछ भी हो सकते हैं, पर फर्स्ट जो है मैच करेगा, मतलब यहाँ यूजर
7896 अंडरस्कोर तो मैच करेगा, उसके बाद हमने यहाँ पे दो बार कॉमा डाल दिया, दो बार क्वेश्चन मार्क डाल दिया, इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है। अब मैं वी लुकअप लगाया, इसको लुकअप किया कॉमा 2,0, रिजल्ट आ गया, समझे? तो क्वेश्चन मार्क, जैसे कि आपको पता है कि आपके कोई ऐसा वर्ड है या ऐसी आईडी है, उसमें बीच में कोई दो डिजिट कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट का लास्ट का या फिर लास्ट का फर्स्ट का कुछ एक जैसा है, मतलब कि कुछ डिजिट से होता है, हम लोग इसका यूज करते थे फाइल लुकअप करते हैं, तो जी जी हमें जी पता है कि फाइल नेम में आज का डेट है जी, और डेट के बाद उसका दो 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 डिजिट का उसका कोड होगा, तो कोड कुछ भी हो सकता है, डेट के अकॉर्डिंग लुकअप करना है। नहीं अच्छा सर, जैसे मान लो आपने 2 डिजिट का बताया इसमें, और इससे पहले वाले एग्जांपल में आपने 3 डिजिट का फाइंड किया था, तो मेरा क्वेश्चन जितना ये, क्वेश्चन मार्क डालेंगे उतने डिजिट, अच्छा इसका ओके, कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक डिजिट हो, दो डिजिट हो, एक क्वेश्चन मार्क, दो क्वेश्चन मार्क, जितनी क्वेश्चन मार्क उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर, अच्छा ठीक है, जी सर, क्लियर है ना? या अब आगे बढ़ते हैं इसमें, तो ये समझ में आ गया आपको, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? 1+1 हमारे साथ मैडम जुड़ी है एज ए डेमो क्लास। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करेंगे तो मैं सुन पाऊंगा आपको। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल हम बात करते हैं कि हमारे पास कुछ मंथली डेटा है, मैं इसके लिए एक डेटा बना रहा हूं, ठीक है, यहां पे जैन, फिर यहां पे मैंने कर दिया फैब, फिर मैंने कर दिया यहां पे मार्च, अप्रैल, मई, जून, ओके। तो ये हमारे पास कुछ 5 महीने मान लीजिए है, और हमारे पास नेम बाय डेटा है, नेम, सॉरी, वैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा के रैंडम नंबर ला देता हूं मैं, और फिर कॉपी किया, अगले सीट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ लास्ट वाले को सिलेक्ट किया और पेस्ट कर दिया, एक साथ सभी में पेस्ट हो जाएगा। मैं दोबारा बताता हूँ, मुझे इसको वैल्यू पेस्ट करना है, तो फर्स्ट को क्लिक किया, सबसे लास्ट में क्लिक किया, पूरा सिलेक्ट हो गया, इसको कॉपी किया, इसके ऊपर हमने वैल्यू पेस्ट कर दिया, तो जितने भी सीट के फॉर्मूले थे सारे एक साथ रिमूव हो गए, मुझे अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे मुझे एक रिपोर्ट नाम का फाइल है मेरा पास, अब यहां पे देखिए, यहां पे मेरे नेम है, अब मैं नेम को नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, और फिर यहां पे हमने जैन फैब ड्रैग कर दिया जून तक। अब प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे मेरे पास और भी फाइल, और भी मतलब कि सैंपल में मंथ वाइज किया, लेकिन ऐसे बहुत सारे चीज हमारे हैं, तो अब मैं सारे चीज के डेटा को लुकअप करना है, इसको सिलेक्ट किया, वी लुकअप, जैन का कॉलम है, इसलिए जैन वाले शीट में जाएंगे कॉमा 2,0, रिजल्ट आ गया, फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, और सॉरी अमित नहीं आने दिए, ओके सर। अब मुझे ऐसे ही हर कॉलम में लगानी है, अब इसी मैं फैब में लगाऊंगा, तो यहां पे वी लुकअप, अब फैब कॉलम है, इसलिए फैब वाले शीट पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे 2,0। अब कॉलम यह है कि तो चलिए 4-5 कॉलम है, 6 है ना, 6 कॉलम है, 6 डेटा है, इसलिए आपने लगा लिया भी लुकअप अलग अलग लगा लेंगे, बट 60 होगा, 600 होगा, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि 1 by 1 लगाना मुश्किल हो जाए, समझे? फिर मान लीजिए अगला यहाँ पे जुलाई ऐड होगा, जून ऐड होगा, तो हर बार आपको फॉर्मूला मैनुअल लगाना, तो मैं कुछ ऐसा करूं कि दोनों फॉर्मूले अगर आप देखें
इस फॉर्मूले को देखें तो इसमें क्या है कि सब कुछ सेम है, बस ये जैन जो है वो अलग है, इसमें देखिएगा फैब है। तो मैं इस जैन और फैब के जो टेक्स्ट है इसको मैं हेडिंग से लेना चाहता हूं। तो कैसे करेंगे, चलिए हम ये आपको समझा रहे हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम जैन को डिलीट करेंगे, इसके जगह पे ए हमारा B4 को सिलेक्ट करेंगे। फिर मैं यहाँ पे N% लगाऊंगा और इन्वर्टेड कॉमा में ये डालूंगा, क्योंकि ये डिलीट होने के बाद टेक्स्ट बन गया ना। इन दोनों को मैंने क्या किया, मर्ज कर दिया, बट एंटर मारने पे रिजल्ट वैल्यू आया। अब रिजल्ट वैल्यू क्यों आया, इसको समझने के लिए हम फॉर्मूला एवलेट में जाते। यहां देखिएगा इसमें क्या हुआ कि इसने जैन को और मार्क और AB को ऐड करके रिजल्ट तो बना दिया जैसा कि हमारा वी लुकअप या फॉर्मूला में होता है, बट एक इन्वर्टेड कॉमा में लगा रखा है, मतलब कि फॉर्मूले ने वी लुकअप ने इसको एक रेफरेंस मतलब कि जैन सीड के ए से बी कॉलम रीड नहीं किया, इसने एक टेक्स्ट एक नेम एक करेक्टर इसको रीड कर दिया। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट का। इनडायरेक्ट जो है वी लुकअप को एक्सप्लेन करेगा कि भाई ए जो जैन सीट का ए एंड बी कॉलन है ना कि कोई टेक्स्ट है। रिजल्ट आ गए, देखिए क्या किया इनडायरेक्ट ने, क्या किया इनडायरेक्ट ने, जब कॉनकेटनेट हुआ तो टेक्स्ट बन गया, तो इनडायरेक्ट ने इसको रेफरेंस में कन्वर्ट कर दिया। डॉलर लग गया ना, देखिए सही से पहले डॉलर नहीं था, डर लग गया, इसका मतलब है कि ये रेफरेंस हो गया, फिर वी लुकअप ने रिजल्ट दे दिया। अब इसको आगे ड्रैग करना है तो हमें इसको थोड़ा सा फ्रीज करना पड़ेगा और फिर इसको ड्रैग कर देते हैं। कल रेट में अगर नया सीट ऐड होता है तो बस यहां पे डालिए और इसको ऐड कर। इसमें सीट का नाम और इसमें ये जो दिया ये दोनों नाम सेम होने चाहिए ना, जी हाँ, सेम होने चाहिए हेडिंग में डाला आपने। जी। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी है, जैसे कि मैं यहाँ पे जैन जैन किया और स्पेस मंथ कर दिया। अब यहाँ पे आपको रेफरेंस क्या हो जाए, तो बोले मैं भी यहाँ पे जैन मंथ कर देता हूँ, डेटा नहीं आया। डेटा ना आने के पीछे रीजन क्या पता आपको, सिंपल सा प्रॉब्लम है। अगर इक्वल करके जैन मंथ को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो जैन मंथ होता है उसके आगे एक नॉर्मल कॉमा लगा हुआ है, लगा हुआ है सर, सिंगल यूनाइटेड कॉमा। सिंगल इनवर्टेड कॉमा लगा हुआ है ना। जी, तो जब किसी सीट नेम में अगर स्पेस आ जाता है तो फॉर्मूला सिंगल इनवर्टेड कॉमा लगा देती है। तो इसके दो तरीके हैं कि आप इसमें आप स्पेस लगाए ही ना, इसमें आप अंडरस्कोर लगा दीजिए, यहां भी आप अंडरस्कोर कर दीजिए तो रिजल्ट आ जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर नहीं ऐसा नहीं है तो फिर आपको फिर इफ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और इस फॉर्मूले बताना होगा कि अगर ये जैन इसमें स्पेस नहीं है तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि स्पेस ना हो तो सिंगल कॉमा, स्पेस हो तो डबल कॉमा, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर ही करें से बेहतर रहेगा। तो वी लुकअप में आज मैंने आपको काफी चीजें बता दी हैं, अब आप इसकी प्रैक्टिस अपने एंड से करें, प्रैक्टिस अपने एंड से करेंगे और कोई दिक्कत होगी तो मुझे मुझे कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको सपोर्ट कर देंगे। अगली क्लास में हम वी लुकअप की हमारी लास्ट क्लासेज होगी जिसमें हम वी लुकअप के लास्ट कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। सर वो नेम वाला सॉर्टिंग का आप आज बताओगे या नेक्स्ट क्लास में? नेम वाला शॉर्टिंग तो मैंने, अच्छा नेम की शॉर्टिंग वाली वो हाँ, जो आपने थोड़ा सा ये हेलो क्रिटिकल है, वो एरर फॉर्मूला में बताऊंगा क्योंकि उसमें एरर है सर, ठीक है ना। क्या सर, आवाज नहीं आया? बोला सर उसमें एरर कंसेप्ट का यूज किया गया है, तो जब आपकी एरर फॉर्मूला चलेगी तो मैं उसको बताऊंगा आपको, ओके ओके सर। ठीक है। ओके तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम। और ओके सर सर एक और क्वेश्चन था, जैसे मान लीजिए कि अभी अब आप डेटा पे जा सकते हो क्या अभी? चलिए अभी चले जाते हैं। चलिए
जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास रिक्वायरमेंट है रिपोर्ट डेटा में 6 महीने का डेटा का, ये पूरा कंसोलिडेट करके, मतलब जो जैन टू फेब है वो सारा एक ही बार सम करके यहाँ पे दिखा है, तो उसके लिए भी मतलब वी लुकअप और इनडायरेक्ट यूज करके उसके बाद नहीं सम नहीं फंक्शन। नहीं हो पाएगा, क्योंकि वी लुकअप तो एक ही वैल्यू देगा ना, सम थोड़ी करेगा। हाँ, सारे फॉर्मूले के एक जगह पे सम कर ले, या उसका एक तरीका है। यहाँ डेटा मेनू बार में एक आता है कॉन्सनट्रेट डेटा, जी, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रहता है कॉन्सनट्रेट बहुत डेटा में बढ़िया। आया है, और रिकॉर्डिंग की परमिशन आप दे, हाँ दे दो। डिस्कनेक्ट नहीं। यहाँ पे आया और आपने जैन मंथ में आइए, जैन मंथ में आइए और सिलेक्ट की एड। फिर ऐसे ही फैब को आइए, फैब को सिलेक्ट कीजिए एड मार्क। आपको वन बाय वन ऐड करना पड़ेगा वन टाइम, या फिर वीवी कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला से डायरेक्ट दूसरे पेज पे नहीं दिखा सकता। जी, हाँ आ गया सर यहाँ पे टोटल, जी समझे? जी सर, समझ। अच्छी बात है, मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके बाय। बाय सर। बाय।